किया बजे बता बजे बजे क्या काम किया हमारे सांसद जी इतने दिन से 5 साल अब पब्लिक तो उसी पे भरोसा करता है जो काम करता है। एक मौका और देना चाहिए मेरे हिसाब से उनको। लेकिन जब से मोदी आया तब से अब काम होना चालू हो गया, नहीं होगा काम तो उन लोगों का ऊपर से तैसे करवा देगा। यहाँ CSR मत हो गया, बहुत पैसा, उसके बाद भी कोरबा में विकास के नाम पे एकदम जीरो है। नमस्कार, मैं हूँ रवि गोयल और lalluram.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी, और ऊर्जाधानी से हम जो है यहाँ के ऊर्जावान मतदाताओं से बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या मूड है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोरबा विधानसभा के इस वक्त नए बस स्टैंड पर हम पहुँच चुके हैं और नए बस स्टैंड में यहाँ पर जो लोग हैं उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से कोरबा लोकसभा में क्या कुछ माहौल है यहाँ पर चुनावी उसको जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? संतोष जायसवाल। संतोष जी, क्या दिख रहा है इस बार लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है, देश का चुनाव है, क्या माहौल है कोरबा में? बोला भाजपा का लहर है भैया, चल रहा है भाजपा का लहर। अभी भाजपा का लहर चल रहा है, भाजपा का लहर चल रहा है अभी। भाजपा की लहर है अभी तो यहाँ तो कांग्रेस की सांसद रही है, 5 साल कांग्रेस के सांसद बनाए थे यहाँ के लोगों, तो क्यों इस बार भाजपा का लहर, क्यों क्या अच्छा काम नहीं किया? कांग्रेस काम देखे नहीं रहे भैया, क्या काम किया पता चल रहा है भाजपा वाला सांसद वाला, तो क्या काम किया बताए बता भैया बताए क्या काम किया हमारे सांसद जी इतने दिन से 5 साल देखे सांसद सुने बड़े सांसद जी हैं, फोटो में देखे बड़े हैं सांसद जी हैं, भैया दर्शन नहीं हुआ सांसद जी का हमारे तो। अच्छा, हाँ अब बताओ क्या क्या करें उसके बाद में। तो भाजपा के प्रत्याशी जो है लग रहा है काम करेगी जीतने के बाद? बिल्कुल काम करेगा सर, मोदी सरकार है काम करेगा ही, तो मोदी जी काम करवाते हैं ना, काम करते नहीं काम करवाते हैं वो। हाँ, काम पीछे बिल्कुल काम कर लगे रहते हैं वो, ऐसे नहीं है कि बगल बैठे वाला काम नहीं करते वो। अरे प्रत्याशी कोई भी रहे मोदी काम करवा के रहेंगे। जी जी, प्रत्याशी कोई भी रहे उसका मतलब नहीं, प्रत्याशी से मोदी जी काम करवाते हैं। हाँ, काम करना है जैसे आगे बढ़ाना है ऐसे वाला है। ठीक है, मोदी जी काम करवाएंगे प्रत्याशी कोई भी रहे। हमारे साथ और भी यहाँ पर भाई साहब हैं जी, और उनसे भी चर्चा करते हैं जी। क्या नाम है आपका? शंकर जायसवाल। शंकर जी, क्या करते हैं आप? मैं तो डेली वेज पे काम कर रहा हूँ जो है। अच्छा, तो वोट डालते हैं ना? हाँ, वोट तो लगभग 20 साल से डालते हुए आ रहे हैं। क्या दिख रहा है, लोकसभा चुनाव आ गया है, देश का चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष पे ही दिख रहा है, लेकिन अपन क्या है 18 साल 20 साल से दैनिक वेतन भोगी पे काम करते हुए आ रहे हैं। पिछले साल जो है TC देव ने आके अपने मंच पे जो है घोषणा पत्र तैयार किया था और वो घोषणा पे ही रह गया, उन्होंने अमली जामा नहीं पहना पाया, उस कारण से कर्मचारी वर्ग नाराज होके कांग्रेस का जो है छत्तीसगढ़ पे सुपड़ा साफ कर दिया। और बीजेपी सरकार ने जो है घोषणा पत्र में शामिल किया है, देखिए क्या करते हैं, अभी उन्होंने भी उस पर आगे नहीं बढ़ा पाया है। तो वही है कि अगर वो हमारे पक्ष पे निर्णय लेते हैं, जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं छत्तीसगढ़ के लगभग जो है 1,80,000 दैनिक वेतन भोगी हैं, वन विभाग पे हैं, आपके PWD विभाग पे हैं, इस टाइप से अनेक विभाग पे हैं जो 18 साल 20 साल से दैनिक वेतन भोगी का पीड़ा सह रहे हैं। अगर उसके पक्ष पे जो है भाजपा सरकार निर्णय लेता है, कुछ उस पर आगे बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी भी उनके पक्ष पे सोचेंगे और उनको ये पक्ष पे मतदान करेंगे। घोषणा पत्र में तो सभी पार्टी जो है हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक किस पर भरोसा करेगी इस बार? अब पब्लिक तो उसी पे भरोसा करता है जो काम करता है। जैसे इन्होंने अभी महतारी वंदन योजना पे घोषणा किया था और उसको देना चालू किया है, अब देखिए इस पे कितने दिन देते हैं, ये भी है। इसी टाइप से और भी बहुत चीज़ जो है घोषणा किया है सरकार जो है, जैसे बीजेपी ने भी घोषणा किया था किसान सम्मान निधि 6,000 देने का, जिसको वो लगातार देते हुए आ रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ हद तक जो है इन्होंने घोषणा किया है उसको पूरा किया है, तो इसलिए जो है जनता इस पर भरोसा कर सकता है। भाजपा की घोषणा पर भरोसा है जनता? हाँ, जनता भरोसा कर रहा है और उस पर थोड़ा बहुत खरा उतर रहा है, पूरा तो पूरा खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए जनता का भरोसा उस पर है। दैनिक वेतन भोगियों की भी अपनी मांग है, पिछले कई वर्षों से जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और हर सरकार से ये उम्मीद लगाते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ और भी यहाँ बस स्टैंड में
कुछ लोग हैं, उनसे चलिए चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल इस बार रहने वाला है। क्या दिख रहा है इस बार माहौल कोरबा लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी? अभी तो फिलहाल प्रचार को देखा जाए तो अभी बीजेपी का हो रहा है ज़्यादा प्रचार, कांग्रेस तो अभी थोड़ी सी शांत है। अब किस किस कारण शांत है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अभी तो प्रचार के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी के ज़्यादा प्रचार हो रहा है। कोरबा से कांग्रेस के सांसद पर भरोसा जताया था पिछले बार जो है कोरबा से, तो इस बार क्या उनका कार्य पसंद नहीं आया लोगों को, या इस बार लोग चेहरा बदलना चाहते हैं, क्या लग रहा है? कार्य बोला जाए तो ऐसा तो नहीं है कि पहले भी काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला जा सकता कि काम नहीं हुआ है कांग्रेस के ये ज्योत्सना महन जी के रहते रहते। आदमी देखा जाए तो लोगों की विचार है कि अगर चेहरा बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, लेकिन एक मौका और देना चाहिए मेरे हिसाब से उनको। एक मौका और देना चाहिए, आप क्या कहते हैं, मौका देना चाहिए या चेहरा बदलना चाहिए? चेहरा बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। मोदी सिर्फ बीजेपी का है, मोदी का है, अमित शाह का है, नितिन गडकरी का है, आदित्यनाथ जी का है। ठीक है, प्रत्याशी को कैसे देखते हैं यहाँ भाजपा की प्रत्याशी? भाजपा का प्रत्याशी है जहाँ जहाँ भाजपा का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसका जीतना तय है, क्योंकि अभी सिर्फ काम हो रहा है। जब से भाजपा आया है सबसे सिर्फ काम होना चालू हो गया, पहले भाजपा में भी होता तो घोटाला है ऐसा नहीं है, लेकिन जब से मोदी आया तब से अब काम होना चालू हो गया, नहीं होगा काम तो उन लोगों का ऊपर से तैसे करवा दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ 2024 के से पहले को क्या देश में कुछ काम नहीं होता था? देश में लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, देश में लोग डरे डरे रहते थे क्या? 2024 में यानी इस बार मोदी के चेहरे पर जो है लोग भरोसा करेंगे और प्रत्याशी कोई भी रहे मोदी का चेहरा इस बार महत्वपूर्ण रहेगा। के नाम पे ही काम हो रहा है, वो चाहे पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे MLA हो, काम उनको करना पड़ रहा है, चाहे कहीं से भी हो। भाजपा का टिकट मिला है, भाजपा से अगर जीत रहे हैं तो उनको काम भी करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मोदी के चेहरे को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन पिछले बार जनता ने कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसको जीत दिलाई थी, यानी चेहरा यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है कोरबा में, जो काम करेगा उस पर जनता भरोसा जताती है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कोरबा लोकसभा में क्या कुछ माहौल यहाँ पर है, क्या दिख रहा है इस बार माहौल कोरबा लोकसभा में, चुनावी माहौल क्या है? सब भाजपामय है और क्या, भाजपामय है बिल्कुल। तो कांग्रेस के तो सांसद बनाए हुए हैं लेकिन यहाँ पर तो पहले की बात थी ना, अभी सब भाजपामय है। तो काम अच्छा नहीं हुआ है कांग्रेस के सांसद के कार्यकाल में? अब जो हुआ है हुआ है, अब नए सिरे से होना। प्रत्याशी ठीक चुनी है भाजपा ने कि कैसे है प्रत्याशी यहाँ से? नामदार है, नामदार है, लोग भरोसा कर रहे हैं, बाहर की प्रत्याशी है बोलते हैं। तो बाहर के तो दोनों है तो छत्तीसगढ़ के अंदर के ही ना, पहले के उनके कार्यकाल को देखिए, काम को देखिए, सराहनीय है। चलिए मुद्दे क्या रहेंगे अगर कोरबा के मुद्दों की बात करें, काम जो होने चाहिए नहीं हो पाए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे? मुद्दे बस स्टैंड की बात कर लें, व्यवस्था को लेकर बस स्टैंड में एक तो चौड़ीकरण, तो गाड़ियों का आवाजाही सुगम रूप से संचालित हो, जगह का अभाव है। ध्यान देना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरबा बस स्टैंड चारों तरफ का कहना चाहिए कि एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हर क्षेत्र में आदमी आने जाने वाले बहुतों की संख्या में है, उस हिसाब से जगह का अभाव यहाँ है, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। बस स्टैंड पर भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ भी इसका विकास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, मगर ध्यान नहीं दे रहे हैं जनप्रतिनिधि। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल भी पूरा भाजपा दिख रहा है, कांग्रेस में तो कुछ चहल पहल उतना दिख ही नहीं रहा है कुछ। कोरबा लेकिन जो है लंबे समय से विधायक यहाँ पर जनता ने कांग्रेस के विधायक बनाया रखा, मंत्री भी बने रहे, सांसद भी कांग्रेस की रहे, लेकिन अब कुछ माहौल बदलता दिख रहा है। देखिए कोरबा में फंड की कमी नहीं है, यहाँ CSR मत हो गया, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, उसके बाद भी कोरबा में विकास के नाम पे एकदम जीरो है।
पहले भी कोई विकास नहीं हुआ है, अब हो सकता है चेंज हो तो कुछ विकास बदले, विकास हो, विकास दिखे शहर में। आप इसी बस स्टैंड में देख लीजिए कि पूरा गंदगी और साफ सफाई कोई चीज़ में नहीं है। आप जाके प्रतीक्षालय को देखिए, टूटा फूटा रन सन पड़ा हुआ है, लाइट पंखा बिजली कोई चीज़ का नहीं है। पीछे तरफ पूरा दीवारों को तोड़ के, बस स्टैंड के दीवार को तोड़ के सब कब्जा कर लिए हैं। बसों को खड़ा करने में कितना परेशानी हो रहा है, कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। चाहते हैं चेंज होना, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए, चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, बदलाव होना चाहिए और बदलाव ही जो है यहाँ के विकास को आगे बढ़ाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल कोरबा विधानसभा से इतना ही, जल्द ही अगले विधानसभा में फिर आपसे मिलेंगे और जानेंगे वहाँ का चुनावी माहौल क्या है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।